हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। 6 अक्टूबर का दोस्तों आज दिन है, 2 बजे का ग्रे मार्केट अपडेट लेकर दोस्तों मैं आ चुका हूँ। एक नया आईपीओ दोस्तों खुलने जा रहा है अगले 4 दिनों बाद, टैक्सन आईपीओ उसका नाम है। कितना इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का ग्रे मार्केट चल रहा है, कितना इजाफा आपको ग्रे मार्केट में होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट्स में जो तेजी का सिलसिला है वो रुकता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। अभी आज के दिन भी दोस्तों निफ्टी लगभग 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट में जरूर इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले टैक्सन आईपीओ की डिटेल्स पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो आप कह सकते हैं कि एक मिड कैप आईटी कंपनी है, और डेफिनेटली दोस्तों आईटी कंपनीज काफी टाइम बाद आती हुई देखने को मिली है, जहां पर कंपनी आप देख सकते हैं डेटा एंट्री करती हुई देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी का कामकाज पॉज कर आप रीड कर सकते हैं। कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स में कामकाज करती है। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम्स है कंपनी के, आप देख सकते हैं। टैक्सन आईपीओ जो कि लगभग दोस्तों 2013 में कंपनी की फाउंड हुई थी, और लगभग ये मार्केट इंटेलिजेंस डेटा को पूरा एनालाइज करते हैं। डेटाबेस ये कंपनी है, डेफिनेटली आईटी कंपनी है ये। वहीं अपन बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 तारीख से 12 तारीख को ये आईपीओ खुलता हुआ देखने को मिलेगा, और जो प्राइस बैंड है वो काफी ज्यादा सस्ता है, लगभग 75 से 80 रुपीस पर शेयर दोस्तों प्राइस बैंड तय किया गया है। लगभग 750 करोड़ का ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है। पर लॉट पर हर रिटेल निवेशक को 185 रुपीस मिलते हुए देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग इशू साइज है 309 करोड़ का, ओए ऑफर फॉर सेल है लगभग 309 करोड़ का, जहां पर QIBs को लगभग 75% शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे, NIS को 15% और रिटेल को 10%। तो रिटेल का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। वहीं अगर अपन बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो नेहा सिंह, अभिषेक गोयल कंपनी के प्रमोटर्स है। एंड अगर अपन बात करें टाइम टेबल की, तो दोस्तों 10 तारीख को अब 10 बजे ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, और 12 तारीख को शाम 5 बजे तक ये आईपीओ खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको अपना जो मैंडेट है वो दोस्तों 12 तारीख को शाम 5 बजे से पहले पहले लगाना है। अब अगर बात करें इस आईपीओ के अप्लाइंग की, तो दोस्तों इसका जो अप्लाइंग का प्रक्रिया होगी मैं आपको लास्ट जो बताऊंगा, नहीं 12 तारीख को बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई कामकाज नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें मेंबर्स की, तो लगभग 6 अवॉइड एंड 1 न्यूट्रल आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इसका कारण क्या है, कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग अभी, एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में भले ही कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स दे, लेकिन अभी डेफिनेटली कंपनी लॉस में कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है, जो एक बड़ा कारण है अवॉइड का। एंड अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ की, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, और आप देख सकते हैं 56 पार्ट सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटेल्स ने आज लगभग 5.5 गुना इस आईपीओ को बढ़ दिया है, टोटल मिला के 4.5 गुना ही आईपीओ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कल मात्र 2 गुना था, और अभी लगभग दोस्तों 1:30-2 बजे का समय हो रहा है, उसमें यह आईपीओ लगभग 4.5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आईपीओ काफी तेजी से सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे चलता रहा तो डेफिनेटली 50 से 60 गुना तक भी आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं यहां पर एक बार आपको रीडिंग में भी पढ़ के बता दूं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ सब्सक्राइब 4.33 टाइम्स ऑन October 6, 2018 1:18 PM। एंड आप देख सकते हैं पब्लिक इशू जो है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो आईपीओ था वो लगभग 5.35 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी हर 5 इन्वेस्टर्स में से 1 इन्वेस्टर को आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी से जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब अगर बात करें कंपनी की, तो दोस्तों लाजवाब कंपनी है, 1980 में कंपनी का गठन हुआ था, उसके बाद आप देख सकते हैं 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी बनती हुई देखने को मिली। तीनों सेक्टर्स में कंपनी का कामकाज है, ई कॉमर्स, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड एंड होलसेलर। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बड़ा कामकाज है, लगभग 6,000 SKU से कंपनी के पास। एंड आप देख सकते हैं आज Day 2 है सब्सक्रिप्शन का, कल वो दिन होगा जब दोस्तों आईपीओ बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। बट मेरी यही सलाह होगी, आज शाम 5 बजे से पहले पहले ज़रूर आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि दोस्तों एंड मोमेंट में अगर आपके पास मैंडेट नहीं आया तो डेफिनेटली आईपीओ नहीं लगता हुआ देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली कट ऑफ प्राइस आप सेट कर लीजिएगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों जो भी आईपीओ लगाएगा, मेरी यही उनसे कामना है कि उनको आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिले। अगर अलॉटमेंट की बात करें, तो अलॉटमेंट जो है दोस्तों 12 तारीख तक आता हुआ देखने को मिलेगा, रिफंड 13 तारीख तक, और आपके जो स्टॉक्स है जिनको भी आईपीओ मिलेगा वो 14 तारीख तक आता हुआ देखने को मिलेगा, और उसकी जो लिस्टिंग है वो 17 तारीख तक होती हुई देखने को मिलेगी। एंड अब अगर बात करें ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट से फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है, हाईएस्ट ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है। करंट जो ग्रे मार्केट है वो लगभग 35 है, और हाईएस्ट जो ग्रे मार्केट है वो भी 35 है। तो अभी जो ग्रे मार्केट है अपने पीक पर चलती हुई देखने को मिल रही है, बड़े लिस्टिंग गेन दोस्तों इस आईपीओ में आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों कल के दिन 57% था प्रीमियम, एंड अभी 59% प्रीमियम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली 70% तक का भी ग्रे मार्केट इस आईपीओ में हो सकता है। अब अगर दूसरी वेबसाइट पर चले, तो वो है आईपीओ वॉच की वेबसाइट, और यहां पर जो
जो ग्रे मार्केट चल रही है लगभग 35 रुपीज चलती हुई देखने को मिल रही है, 60% का लिस्टिंग गेन बता रहा है यहाँ पर। एंड अगर हम बात करें थर्ड वेबसाइट की तो ये चाणक्य की वेबसाइट और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो लगभग 34 रुपीज से 36 रुपीज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरे ग्रे मार्केट हमने बता दी और ओवरऑल अगर अपन ग्रे मार्केट को एवरेज करें तो लगभग दोस्तों इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट है वो 35 रुपये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में अगर अपन बात करें तो लगभग 60% का प्रीमियम अभी आपको इस आईपीओ में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जिन लोगों ने भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जिसको भी आईपीओ मिलेगा वो एक लॉटरी समान होता हुआ देखने को मिलेगा। अब तक के जो 3 आईपीओ आते हुए देखने को मिले जैसे ड्रीम फोक्स हो गया, हर्षा इंजीनियरिंग्स हो गया, एंड अब ये जो आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, ये सबसे बेहतर आईपीओ इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग है, आपको बड़ा फायदा इस आईपीओ में हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।